हरियाणा में आपका स्वागत है स्पेशल हरियाणा में और द हरियाणा में। दोस्तों पंजाब की जो कलाकार है सोनिया मान जी वो पहुंची और ताई जो कंडेला से है ताई जी बहुत फेमस है और वीडियो में भी पूरी वायरल हो रही है उनसे भी बात करेंगे। आज बद्दवाला टोल पर पहुंची थी किसानों को ताकत देने के लिए और एक 19 तारीख का प्रोग्राम है हरियाणा पंजाब का उसका न्योता देने के लिए। सोनिया मान से पहले बात करेंगे फिर ताई जी से भी बात करेंगे। नमस्कार जी, पहले तो नमस्कार। आज हम सारे टोलों पे जाकर न्योता दे रहे हैं। बद्दवाल टोल पे भी न्योता दिया कि 19 तारीख की हरियाणा पंजाब भाईचारा वहाँ पर एक एकता दिखाए और वहाँ पे जरूर आए। तो जो अपने रैली रखी गई है हरियाणा पंजाब की, तो क्या मेन मोटिव रहे, क्या मेन पर्पस रहेगा उस रखने? मेन पर्पस ये है कि बायकॉट बीजेपी है और सारी जथेबंदियों को, जैसे टीचर यूनियन है वहाँ पे, मनरेगा यूनियन है, लेबर यूनियन है, हमने सभी को बुलाया है। और ताई मेरे साथ मोहाली के आसपास, चाहे खरड़ हो, रोपड़ हो, बनूड़ हो, सारे गाँव में 70 से ऊपर गाँव में ताई मेरे साथ खुद गई थी लोगों को बॉर्डर की तरफ मतलब करने के लिए कि हाँ तुम सारे लोग बॉर्डर की तरफ जाओ। जैसे कि हम हरियाणा में जाते हैं जागरूक करते हैं लोगों को, वहीं पे भी जैसे अगर मैं हरियाणा आ सकती हूँ तो हरियाणा के लोगों को भी पंजाब में आना चाहिए। तो इसलिए ताई हरियाणा की तरफ से मेरे साथ पंजाब में गई थी, मिलके हमने किया। तो मोहाली के मोर्चे थे, सभी ने मिलजुल के, मोहाली के 3B2 मोर्चा है, मनिंदर लड़का है, सारे मिलजुल के एक रैली हमने सोचा कि रखें जहाँ पे हरियाणा भी आएगा, पंजाब भी आएगा और बीजेपी बायकॉट के लिए हम एक रैली रखें। तो जी सबसे पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप इतनी बड़ी कलाकार हो, पंजाब में बड़ा नाम है आपका, तो आपने किसान आंदोलन का रास्ता क्यों चुना, क्या आपने कलाकार का रास्ता छोड़ दिया जी? देखिए पिछले एक साल से तो छोड़ ही रखा है और मैंने इसलिए ये रास्ता चूज़ किया क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और मेरे फादर खुद किसान नेता थे और कीर्ति किसान यूनियन जथेबंदी जो है उसके प्रेसिडेंट थे पंजाब में, ऐसी जथेबंदी है आज भी है, जिसके रजिंदर दीप सिंह वाला जिनके आज जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उस जथेबंदी के अध्यक्ष और मेरे फादर को भी यही था कि मैं किसानों के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करूँ। अच्छा जी, तो जैसे ये किसान आंदोलन है जी, किसान आंदोलन लगातार 9 महीने से है और अब सरकार की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है कि जिस प्रकार से खट्टर जी ने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि जो ये किसान बैठे हुए हैं इनमें एक विशेष वर्ग है, तो आप विशेष वर्ग? देखिए खट्टर जी की कोई भी टिप्पणी के ऊपर मैं आंसर नहीं देना चाहती, वो तो जो भी बोलते हैं बकवास ही करते हैं, तो इसलिए आई डोंट वांट टू कमेंट ओवर। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है पंजाब की तरफ से, आपको पता ही है, तो उनकी तरफ से भी एक बयान आया कि जो ये बॉर्डर है बॉर्डरों को छोड़कर किसानों को पंजाब के अंदर डेरा डालना चाहिए, तो क्या उनकी बातों का मकसद निकाला जाए, क्या रिजल्ट? देखिए मेरे को नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से ये बात बोली है, उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में हमारे साथ हरियाणा भी जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा और पंजाब की जो एकता है वो उस बॉर्डरों के ऊपर दिखती है और साथ में केरला भी अब जुड़ा, वहाँ से केरला से भी लोग आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, बाकी स्टेटों से भी आते हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर जो इस टाइम पे है वो किसानों का धाम बन चुका है, एक धार्मिक धाम, वो किसान नहीं छोड़ सकते और अगर आंदोलन जीता उसके बाद भी वो मुझे लगता है वहाँ पे किसानों के नाम से ही कुछ ना कुछ उसका नाम होगा। जैसे टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी अभी किसान चौक बन चुका है, वहाँ पर हमारे भूरी वाले बाबा जी हैं, वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर परमानेंट एक लंगर लगा देंगे किसानों के नाम पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो किसानों के नाम पर हमेशा पारंपरिक तरीके से रह जाएंगी, जिसे लोगों को, आने वाले लोगों को भी याद रहेगा भी एक किसान आंदोलन हुआ था। करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद आपने बड़ा देख लिया जी, कितना बड़ा आंदोलन दोबारा फिर करनाल के अंदर हुआ और दोबारा फिर आपको पता ही है भी 4 या 3-4 दिन फिर आंदोलन चला, वहाँ आप भी थे और उसके बाद जिस प्रकार से सरकार झुकी है, तो क्या लगता है जी बार बार इस प्रकार की घटनाएं सरकार करती है, लाठीचार्ज करते हैं उसके बाद सरकार को झुकना ही पड़ता है, घुटने के बल लाना ही पड़ता है, तो क्या मंशा सरकार की दिखाई देती है? देखिए सरकार की मंशा, अब तो सरकार झुक रही है, कम से कम सरकार ये मानने के लिए रेडी हुई है कि हम किसान हैं, पहले तो पता नहीं क्या क्या नाम देती थी। और करनाल की जीत के बाद तो हम सबको पता, वैसे भी उससे पहले ही पता था कि इतना ज़्यादा हमारी एकता, एक तरफ हर जगह पे मैं कहती हूँ जहाँ पे भी एक किसान रैली हो सभी को इसी तरह से एकता दिखानी चाहिए और एक तरह से मजबूती दिखानी चाहिए। अब जो किसानों की जीत है, क्या लगता है कितनी दूर किसानों की जीत अभी बाकी है? जीते पड़े हैं जी आंदोलन, बस बीजेपी वाले खुद अपनी ईगो पे ले रहे हैं, वैसे तो हम आंदोलन जीते पड़े हैं। ठीक है।